दुनिया की जीडीपी में 28% हिस्सेदारी वाला यह समूह पश्चिमी देशों के संगठन को चुनौती देता नजर आ रहा है। यही वजह है कि चीन और रूस आक्रामकता से इसका विस्तार करना चाहते हैं। ब्रिक्स से जुड़ी पूरी जानकारी जानिए। बीते कुछ सालों में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने वाले इस समूह की वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कई देश इस समूह में शामिल होना चाहते हैं। यही वजह है कि इस बार रूस में हो रहे इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। 1990 के दशक में भारत, रूस और चीन की पहल से शुरू हुए इस गठबंधन की औपचारिक स्थापना 16 जून 2009 को हुई। तब ब्रिक्स में सिर्फ भारत, रूस, चीन और ब्राजील ही शामिल थे और इसका नाम ब्रिक था। लेकिन इसके अगले साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इस समूह का हिस्सा बना, जिसके बाद ब्रिक्स नाम पड़ा। ब्रिक्स देशों की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण मौजूदा वैश्विक परिवेश में ब्रिक्स की अहमियत काफी बढ़ती जा रही है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी। ब्रिक्स दुनिया के विकासशील देशों का एक मजबूत समूह है। पहले भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ही इसके सदस्य थे, अब इसका विस्तार किया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से सऊदी अरब, अर्जेंटीना समेत 6 देशों को इस समूह में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। हालांकि बाद में अर्जेंटीना की हाबियर मिलेई की नई सरकार ने ब्रिक्स में शामिल होने का इरादा बदल दिया। वैश्विक और आर्थिक बदलावों के चलते तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया जैसे देशों ने भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। वहीं पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देश ब्रिक्स में शामिल होने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ब्रिक्स में आक्रामक तरीके से हो रहे विस्तार को लेकर माना जा रहा है कि रूस और चीन ब्रिक्स के जरिए एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहते हैं जो अमेरिका के प्रभाव वाले नाटो और G7 को टक्कर दे सके। मौजूदा समय में ब्रिक्स EU को पछाड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन गया है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि ब्रिक्स बदलाव का प्रतीक है और ब्रिक्स का मकसद किसी को चुनौती देना नहीं है। भले ही इसमें पश्चिमी देश शामिल नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उनके विरोधी हैं। दुनिया की आर्थिक नीतियों से अमेरिका का प्रभाव कम करने के लिए भारत, रूस और चीन ने ब्रिक्स की पहल की थी। इसका सबसे अहम मकसद राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा है। यही वजह है कि इस वक्त यह संगठन दुनिया के कई देशों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। माना जाता है कि सऊदी अरब जैसा देश भी अमेरिका पर निर्भरता को कम करने के लिए इस संगठन का हिस्सा बना है। वहीं तुर्की भी आर्थिक संकट से उबरने के लिए ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। दरअसल दुनिया की करीब 45% आबादी का नेतृत्व करने वाले इस संगठन की वैश्विक ताकत बढ़ती जा रही है। अगर तुर्की को ब्रिक्स में शामिल होने की मंजूरी मिलती है तो वह पहला ऐसा देश होगा जो नाटो और ब्रिक्स दोनों का सदस्य होगा। वैश्विक GDP में ब्रिक्स देशों की करीब 28% भागीदारी है। जितनी तेजी से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कई देश आवेदन कर रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह संगठन आसानी से G7 देशों को पछाड़ सकता है। पीएम मोदी बुधवार को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले अब तक ब्रिक्स की 15 बैठकें हो चुकी हैं। 2009 से ब्रिक्स समिट का आयोजन एक एक कर इसके सदस्य देश करते रहे हैं। इनमें से 3 बैठकें 2020, 2021, 2022 कोरोना महामारी के दौरान वर्चुअली हुईं। वहीं भारत को अब तक 3 बार ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। भारत ने 2012, 2016 और 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। इस बार रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा रूस के कजान में 2 दिवसीय ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। ब्रिक्स देशों की ओर से तेल के कारोबार के लिए डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल करने के विकल्प पर जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसे लेकर चर्चा हो सकती है। अगर ब्रिक्स देश तेल व्यापार के लिए स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल का फैसला करते हैं तो इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के विकल्प पर कई देशों ने सहमति जताई है। रूस, जो कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से कई प्रतिबंधों को झेल रहा है, और चीन, जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश में जुटा है, दोनों देश इस विकल्प को लेकर काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने भी कहा था कि वह नई संभावनाओं पर बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं
अटलांटिक काउंसिल के अनुसार वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर भंडार की हिस्सेदारी 14% से अधिक घट चुकी है और ऐसे समय में अगर ब्रिक्स देश डॉलर की बजाय स्थानीय करेंसी से व्यापार का फैसला लेते हैं तो इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए मंगलवार को रूस के कजान शहर पहुंचे। यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। पुतिन ने कहा, हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को कायम रखा। उन्होंने कहा, हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। रूस यूक्रेन जंग केवल बातचीत से रुकेगी। भारत संघर्ष के समाधान में हर मदद देने को तैयार है। मोदी ने कहा, भारत का हर प्रयास मानवता के समर्थन में है। हम जल्द से जल्द शांति की बहाली चाहते हैं। पीएम मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रूस गए हैं। इससे पहले जब वे जुलाई में रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम बंदूकों और गोलियों से शांति संभव नहीं है। इसके बाद वे यूक्रेन दौरे पर भी गए थे जहां उन्होंने जेलेंस्की से कहा था, मैंने पुतिन से आंख में आंख मिलाकर कहा था कि ये जंग का समय नहीं है। इससे पहले जब मोदी एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत लड्डू और ब्रेड नमक के साथ किया गया। साथ ही वो यहां प्रवासी भारतीयों से भी मिले। इसके बाद कजान के होटल पहुंचने पर उन्होंने भारतीय पोशाक पहने रूसी कलाकारों का डांस भी देखा। पीएम मोदी इससे पहले जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वे आज शाम में ब्रिक्स लीडर्स के साथ डिनर में शामिल होंगे। डिनर के दौरान उनकी यहां कई लीडर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत हो सकती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी बुधवार को ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। यह 2 सेशन में होगी। सबसे पहले सुबह क्लोज प्लेनरी यानी बंद कमरे में बातचीत होगी। इसके बाद शाम को ओपन प्लेनरी होगी। इस दौरान पीएम मोदी कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए रूस पहुंचे। ब्रिक्स समिट की साइडलाइन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने कल ही बताया कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में पीएम मोदी और जिनपिंग की बातचीत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो 2 साल बाद दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे। दोनों के बीच आखिरी बार 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। हालांकि पिछले साल साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई ब्रिक्स समिट में दोनों नेता शामिल हुए थे। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को रूस से रवाना हो जाएंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को ब्रिक्स प्लस देशों के सेशन में भारतीय डेलीगेशन को विदेश मंत्री एस जयशंकर लीड करेंगे। रूस ने 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।